देखिए बात, स्वागत है आपका सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। विनय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद कि अब आपका चुनावी विश्लेषण क्या कहता है कि किस पार्टी की दरकार कितनी है और वो अपने समीकरणों को किस तरीके से अब साधे। देखिए, दो चीजें मुझे साफ दिखाई देती हैं। जैसे रामपाल का नाम तो खुल चुका है, ऐसे ही दो चार विधायक अभी भी हैं जो कि जान बैठे हैं या पार्टी भी मान बैठी हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे जी। तो अब टिकट बंटने का दौर शुरू है। अभी भले ही शिवपाल सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश, उनका बयान आया है कि किसी भी सिटिंग विधायक का टिकट नहीं कटेगा, लेकिन उन विधायकों को पता है कि उनका टिकट जाना है जी। अब जैसे मुझे जो लगता है, मैं खुल का नाम बोल रहा हूँ, रविदास मल्होत्रा जो लखनऊ से आते हैं, वो अगर किसी चर्चा में आपके साथ भी बैठते हैं, कानून व्यवस्था की आप बात छेड़िए, तो उनके सारे जो बयान आते हैं इस तरीके से आते हैं, लगता है कि वो पार्टी के साथ नहीं है, वो विरोध में खड़े हैं और विरोध में ही बात बोलते हैं। ऐसे तमाम नाम हैं जी, वो पार्टी को पता है और ज़्यादा बेहतर पार्टी करीब से उन चीज़ों को देखती है, समझती है जी। लेकिन वहीं बसपा की बात कर लीजिए, जिस तरह से टिकटों को लेकर के आरोप बार बार लग रहे हैं कि पैसे की वसूली चल रही है, पैसे की भरमार लगाई जा रही है, रेट की खुले हुए हैं कि 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की बात आ रही है, उसमें भी तमाम ऐसे विधायक हैं, उनके तरफ से पहली बार बसपा को बोलना पड़ा है कि हम सिटिंग का टिकट नहीं काट रहे हैं। लेकिन सभी विधायकों को लग रहा है ये सारे जो वादे किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं राज्यसभा विधान परिषद के चुनाव के मद्देनजर किए जा रहे हैं जी। और अगर कोई आगे कैंडिडेट बढ़ाता है तो कहीं टिकट कट ना जाए, तो ऐसे लोगों की अगर निष्ठाएं बदलती हैं तो एक तय बात है कि उन पार्टियों पर भी संकट है। लेकिन राज्यसभा को लेकर कम से कम समाजवादी पार्टी को कोई चिंता भी थोड़ी बहुत दी है, तो सातवें कैंडिडेट को लेकर जो मैनेज करेंगे, क्योंकि रघुनाथ प्रताप सिंह इंडिपेंडेंट हैं लेकिन सरकार के मंत्री उनके साथ रहेंगे, व्यवस्थाएं हो जाएंगी। संकट है सिर्फ विधान परिषद चुनाव में बसपा को और राज्यसभा में आज की तारीख में कांग्रेस को जी। बाकी कोई संकट ज्यादा अभी कम से कम मुझे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि भाजपा तो मानी बैठी है कि पिछली बार दयाशंकर सिंह हारे जरूर, लेकिन 8 वोटों का परिवर्तन कराने में कामयाब हुए थे, तो 8 वोट आखिर कहां से आए, जबकि 2 साल पहले की बात हो गई हो। अब तो चुनाव करीब है, अब तो बहुतों की निष्ठाएं बदल सकती हैं। ठीक है, संजय मिश्रा, जो बात कभी कही है विनय जी ने, और जो नाम और पहले नाम खुल चुका है रामपाल यादव का, रविदास महतो का नाम भी सामने आ रहा है, उसके अलावा भी एक फहरिस्त का जिक्र उन्होंने किया कि लंबी फहरिस्त है तकरीबन 20-25 लोगों की जो समाजवादी पार्टी के लिए खतरा साबित हो सकता है अगर उनकी निष्ठा परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद क्या फिर क्या ऑप्शन रहता है समाजवादी पार्टी के पास, कि वापस आप जो पहले अजीत सिंह आपसे मुलाकात करने आए थे, तो वापस क्या मुलायम सिंह यादव जाएंगे अजीत सिंह के पास बात करने किस चीज के लिए? देखिए, मैं संजीव जी बोल रहा हूँ, संजीव जी संजीव क्षमा चाहूंगा आपको, संजीव को रोकने के लिए क्षमा चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो बता दूं कि समाजवादी पार्टी के जो संकट के विधायक हैं बाद में कहीं टूटेंगे, जिसका आपने जिक्र किया है आरएलडी का, उनके विधायकों में ज्यादा संकट है कि वो अजीत सिंह के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी से तो एक ही दो अभी संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके जितने हैं वो कहाँ है यही नहीं पता किसी को। संजीव जी आप बोल सकते हैं। संजीव जी, नहीं देखिये, विनय जी की बात में दम है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो किसी भी पार्टी के एमएलएज हैं, अगर कोई भी किसी तरीके का गठबंधन होता है तो वो भी इस बात को सोच करके चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा आ रही है और उनको बहुत सा लाभ हो सकता है। मैं तो समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, जिन भी दलों का कमिटमेंट होगा, गठबंधन होगा और सहयोग करेंगे समाजवादी पार्टी को, वो आने वाले समय में लाभ के पात्र होंगे। और जो लोग, बहुत साफ सी बात है विनय जी, मैं बहुत स्पष्ट आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का गलत खेल, चाहे राज्यसभा का चुनाव, चाहे विधान परिषद का चुनाव हो, और चाहे आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी जो हालात दिखाई दे रहे हैं, ये दंगे कराने वाली पार्टियां हैं। और बहुत साफ सी बात मैं कहूंगा कि अगर इसी तरीके के हालात चलते रहे, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, इन्होंने अगर 2 साल की आप केंद्र की सरकार देख लीजिए और 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए कौन सी और कितनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, विनय जी बहुत अच्छी तरीके से आप भी जानते हो और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। ऐसे समय में जब 2 साल का इनका भी ग्राफ देखा जाएगा कि जो 60 रुपये में अरहर की दाल थी वो 200 रुपये और 220 रुपये में आज बिक रही है, जो सरसों का ऑयल था, सरसों का तेल था, वो 60 रुपये 50 रुपये के बजाय 150 रुपये में आज बिक रहा है, तो इन सब चीजों का भी ठीक है। लेकिन अभी जो राज्यसभा विधान परिषद चुनाव होने वाले हैं, महंगाई तो कहीं आड़े नहीं आएगी संजीव, लेकिन ये जरूर आएगा कि आपकी तरफ से लोग कितने टूटते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में जिन मुद्दों पर ये आए थे, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे काले धन की बात हो, ये हर मुद्दे पे फ्लॉप साबित हुए। और उन मुद्दों को ढकने के लिए इन्होंने जिन मुद्दों का इस्तेमाल किया, जैसे स्वच्छ भारत अभियान इन्होंने चलाया, अब स्वच्छ भारत अभियान में अगर झाड़ू लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े होकर फोटो खिंचाएंगे, मैं तो आज डंके की चोट पे इनसे कहता हूँ कि कितना हिंदुस्तान की सफाई हो गई, कितना कहाँ पर सफाई हो गई। ठीक है संजीव जी, फिलहाल वो मुद्दे की बात नहीं है, मुद्दे की बात यही है कि आप अपनी समीकरण कैसे बढ़ाते हैं। संकट आपके पास भी और आरएलडी की जो बात संभावना की बात कही जा रही थी, अब वहां पर खुद संगठन नहीं है, वहां पर खुद लोग संगठित नहीं है, तो वो फिर कैसे सपोर्ट कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस टाइम बहुत ज्यादा
हताश और घबराई हुई है। अब देखिए क्योंकि राज्यसभा के अंदर जो है उस पर कुछ कहना अभी ठीक नहीं है। एक मिनट मुझे, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के सारे कैंडिडेट जीत के आए। देखिए चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश में कपिल सिब्बल को छोटा नाम नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं राज्यसभा के अंदर अरुण जेटली जी जितना बोल सकते थे उतना अकेले बोल पा रहे थे। वहां पर बैठ करके स्मृति ईरानी जो डायलॉग बाजी कर रही थी, फिल्मी डायलॉग से काम नहीं चलेगा। देखिए वहां पर एक तरफ तो जेठ मलानी जी आ रहे हैं, उधर आर के आनंद जी आ रहे हैं, तीसरे कपिल सिब्बल जी आ रहे हैं। जिस तरह से ये लॉजिक दिया करते थे वहां, झूठे सच्चे जो भी कुछ होते थे, झूठे लॉजिक पे वहां राज्यसभा नहीं चलेगी, इस बात को ये भी समझ रहे हैं। और इनको ये भी पता है कि राम जेठ मलानी जी या कपिल सिब्बल साहब, जब ये आर के आनंद साहब, जब ये सब लोग हाउस में बैठ के जब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का जो उनकी प्लानिंग का जब ये धज्जियां उड़ाएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाएगी पूरे देश के लिए। इसलिए वक्त है मनोज जी, कपिल सिब्बल को पहले आने दीजिए, पहले समीकरण बनने दीजिए। कम से कम कांग्रेस इतनी मजबूत तो खुद में हो कि कपिल सिब्बल साहब को ला पाए, चाहे निर्दलीय जो बेचारे निर्दलीय हैं उनको आप साथ लेकर आए, चाहे जैसे लेकर आए, कम से कम मजबूत हो। नहीं बिल्कुल जाएंगे, ठीक बात है, कपिल सिब्बल साहब ठीक है। विनय जी आपके पास मैं आऊंगा, वक्त बहुत कम बचा हमारे पास, तो मैं चाहूंगा कि चर्चा का समापन करें अपने विश्लेषण के साथ कि अब भविष्य में राजनीतिक परिस्थितियां क्या हो सकती हैं। देखिए एक सीधा सपाट चीज जो मुझे दिखाई देती है कि कांग्रेस अपना एमएलसी का प्रत्याशी विड्रॉ कर ले और बसपा सुप्रीमो से हाथ मिला ले कि हम आपको विधान परिषद में सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपना सरप्लस वोट हमें कपिल सिब्बल साहब को ले दे दें जी, बात बन जाती है। चलिए ठीक है, और लेकिन समाजवादी पार्टी के जो साथ जो लोग हैं तो सातवें की उम्मीद में क्या दिखाई देता है आपको? फिर तो बात ही खत्म, तो चुनाव ही नहीं होना है, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। इस कंडीशन पे एमएलसी के लिए चुनाव होगा नहीं है, जो राज्यसभा के प्रीति हार जाएंगी और जो बसपा का सरप्लस वोट है वो कपिल सिब्बल साहब को चला जाएगा, फिर तो चुनाव ही नहीं होना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी नहीं है, मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि राज्यसभा में कपिल सिब्बल जाएंगे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरुण जेटली कितने भी प्रयास कर लें वो नहीं हारेंगे। चलिए ठीक है मनोज जी, वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा, नहीं है, तस्वीरें बहुत जल्दी साफ हो जाएंगी कांग्रेस के दावों में कितना दम है और फिर बीजेपी की स्थिति वहां पर क्या रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, डॉक्टर चंद्रमोहन, मनोज त्यागी जी और विनय राय जी हम तक इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल सिर्फ इतना ही, नमस्कार।